हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सबक के जहां में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और कल डेला जाना है, हम उसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन आज ये बच्चों ने बहुत दिन भर कुछ ना कुछ करके सरप्राइज प्लान किया है। और उन्होंने क्या क्या किया बताओ? हम लोग केक बनाया और गिफ्ट लेकर आए। तो इस बार केक नहीं मिला तुम्हारा? नहीं। तो ये लोग दिन भर कुछ ना कुछ करते रहे और किचन में ऐसे पर्दा लगा दिया था, मेरा जाना वहाँ मना था, लेकिन मैं दिन भर इनकी लड़ाई सुनती रही हूँ और कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन इन्होंने फाइनली बनाया। मैं आपको केक दिखाती हूँ और हम केक कटिंग करेंगे और उसके बाद हम कल जाने की तैयारियाँ करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रिजा, रेहान और सारा ने मिलकर इतना ब्यूटीफुल सा केक बनाया है। भाभी की भी हेल्प ली? हाँ। क्या हेल्प ली? ये डेकोरेशन करने में। और ये लोग ऊपर जब डेकोरेशन कर रहे थे ना, तो भले कर रिजा रही थी, पर वो दोनों इतने ऐसे सीरियस एक्सप्रेशन से देख रहे, कुछ खराब ना हो। मैंने उसकी क्लिप ली है, इसके बाद आपको देखिए लगा देना। तो चलो जल्दी से केक कटिंग करते। और फ्रेंड्स, ये लोग कुछ गिफ्ट भी लेके आए। ये क्या है? मतलब मुझे बताया नहीं, ये लोग हमेशा मेरे साथ शॉप जाते हैं, लेकिन आज मुझे छोड़ के पता नहीं जा रहे थे और ऊपर भाभी के पास रख के आ रहे थे, पता नहीं क्या क्या। तो हमें भी नहीं बता रहे। अच्छा, एकदम परफेक्ट बनाया। वन मिलियन के लिए इनको बहुत जितनी खुशी है, मुझे उससे ज्यादा इनको है। और इनकी मेहनत भी है, ये लोग ब्लॉग में बहुत मेहनत करते हैं, आइडियाज देते हैं, मेरी वीडियो शूट करते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, तो इन सबको भी बहुत सारा थैंक यू। चलो अभी हम सबको अच्छी तरह से जानती है। क्या चाहिए? इतना बड़ा कहाँ से लेके आए हो? स्टेशनरी। अरे वाह, अरे वाह, तो बड़ा प्यारा है। पैसे कहाँ से आए? रखे रहते हैं। थैंक यू। बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। अभी रात में 2 बज गए हैं, लेकिन अभी मुझे अपनी पैकिंग के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है, क्योंकि वो मैं आपके सबके साथ शेयर करना चाहती थी कि जब मैं छुट्टी में भी जाती हूँ तो मुझे किस तरह से अपने चीजें, अपनी पर्सनल चीजों के साथ साथ फोटोशूट की भी क्या क्या चीजें लेके जानी पड़ती है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले हम अपना नाइट स्किन केयर रिजीम करेंगे, जो कि हमें कभी मिस नहीं करना चाहिए। नाइट रूटीन में फ्रेंड्स होता है, आपको सबसे पहले अपना फेस वॉश करना है, फिर टोनिंग करना है, उसके बाद फ्रेंड्स मॉइस्चराइजेशन या सीरम आप जो भी लगाते हैं अपनी स्किन पे वो कर लें, और फ्रेंड्स उसके बाद अपनी नाइट क्रीम लगा लेना है। और आपका काम मामा अर्थ ने बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया है अपनी विटामिन सी नाइट रिजीम निकाल के। तो फ्रेंड्स, उसमें उनका विटामिन सी फेस वॉश, उनमें उनका विटामिन सी फेस टोनर, उनका है विटामिन सी स्किन इल्यूमिनेट फेस सीरम, और उनका है विटामिन सी स्लीपिंग मास्क। तो मैं अपना फेस वॉश कर चुकी हूँ, आइजिंग कर चुकी हूँ, टोनर लगा चुकी हूँ, सीरम लगा चुकी हूँ, और अब बची है लास्ट स्टेप। तो मैं लगाने जा रही हूँ ये मामा अर्थ का विटामिन सी स्लीपिंग मास्क। ये मास्क बना है फ्रेंड्स विटामिन सी से और एलोवेरा जेल से। विटामिन सी में बहुत ही ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, जो एजिंग के साइंस को कम करेंगी, डलनेस को दूर करेगी, हमारी स्किन को एकदम इवन बना देगी और ग्लो बनाए रखेगी। एलोवेरा हमारी स्किन में हाइड्रेशन बनाए रखेगा, मॉइस्चराइज करेगा, सनबर्न सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसे यूज करने से बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स देखने मिले हैं, जैसे कि हमारे एजिंग के साइंस को कम करेगा, पिगमेंटेशन को कम करेगा फ्रेंड्स, एक हाइड्रेशन बनाए रखेगा, और जो हमारे चेहरे से चमक चली जाती है उसे वापस लाएगा। इसमें पैराबेन नहीं है, सल्फेट नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाए। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और मुझे ये मामा अर्थ की बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जो उनकी गुडनेस है वो उनके प्रोडक्ट्स में ही नहीं, उनकी वैल्यूज में भी है। आप उनसे जब कुछ भी खरीदते हैं तो आपका ऑर्डर वो एक ट्री के साथ लिंक कर देते हैं, जो कि उन्होंने प्लान किया होता है। तो आप उनकी वेबसाइट पर जाके वो ट्री की पिक्चर्स, उसकी स्पीशीज और वो कहाँ पे उसके बारे में जान सकते हैं। एक तरह से आपको कंट्रीब्यूशन हो रहा है एनवायरनमेंट के। मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट टॉक्सिन फ्री है, उसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। और फ्रेंड्स, अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप मामा अर्थ की साइट पे जा सकते हैं, या आप अमेजोन पे या नायका से ले सकते हैं। और अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे जो कि है SABA2020, तो आपको 20% डिस्काउंट। पैकिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं और आप ये सब देख रहे हैं, मुझे समझ
में नहीं आ रहा है, 3 बजने वाला है, कैसे कब क्या करना है, और ये सारी चीजों में मेरी कोई भी पर्सनल चीज नहीं है, ये सब पीआर की चीजें हैं जो मुझे 2 दिन के अंदर वहाँ पे फोटोज क्लिक करनी है क्योंकि अच्छी लोकेशन मिलेगी। और फ्रेंड्स, आप ये वाले आउटफिट में पहले देख चुके होंगे, मैं पहले फोटो क्लिक कर चुकी थी लेकिन मेरा दिल नहीं भरा, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी तो मैं दोबारा करूंगी। ये मेरा डेडिकेशन होता है मेरे काम के लिए और जिसके आउटफिट आया उसके लिए। तो साथ साथ आपको आउटफिट्स भी दिखाती जाऊँ। आप ये देखिए कितनी अच्छी सी फ्रॉक लग रही है, मैं इसे पहनूंगी। फ्रेंड्स, ये नॉर्मल सा सूट आया था, इस तरह से मैंने इसे बनवाया है और फ्रेंड्स इसके नीचे ना ये लग रहा है, तो ये कैन की वजह से ना इसमें बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। आई होप जितनी अच्छी लग रही है जब मैं पहनूं तो वैसी लगे। और फ्रेंड्स, आपको ये दिखाना था, आपने देखा होगा मेरे पिछले ब्लॉग में मैंने कहा था कि मैं टेलर से बनाऊंगी, ये बन के आ गया। ये देखिए, तो एक ही लेके जाऊंगी और इनके साथ साथ मैंने कैसे मैचिंग के हिजाब भी, ये सारे मैंने देखिए हिजाब निकाल के रखे, वहां जाके ऐसे ताम झाम नहीं करना है, सब कुछ मिक्स करके ही लेके जाना है। और फ्रेंड्स, पता है इसका दुपट्टा नहीं आया तो मैं अम्मी का कोई दुपट्टा लूंगी कॉन्ट्रास्ट में, क्योंकि वो बहुत अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, एक ये इसका शरारा, ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे, ये और ये इसका दुपट्टा। तो ये सारी चीजों में मुझे वहाँ पे फोटो क्लिक करनी है, इनके अलग अलग लुक होंगे। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाले आउटफिट में दुपट्टा नहीं आया था, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इसमें कॉन्ट्रास्ट में ओढ़ूँ, क्योंकि मैं सारे बहुत वाइट प्लेन ओढ़ती हूँ और इसके साथ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो ये दुपट्टा बहुत अच्छा लग रहा था। हमेशा की तरह मुझे अम्मी का दुपट्टा काम आया और रात में अम्मी को उठा के बोला कि अम्मी मुझे दुपट्टा दे दो, दुपट्टा दे दो। अम्मी, इसमें अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। पक्का? बहुत अच्छा लगेगा। और भी देख लेना। इतनी ज्यादा थकान हो रही है, नींद भी आ रही है, सब रखना है, अभी चप्पलें भी निकालनी है और अभी वो भी निकालनी है, ज्वेलरी भी। हाँ, दिखाओ। अम्मी एक नया दुपट्टा लेके आई है। फ्रेंड्स, इसके साथ अम्मी एक और नया अपने खजाने से दुपट्टा निकाल के लाई है, मैच हो जाए तो अच्छा है। वाओ अम्मी, थैंक यू। मैंने अम्मी को कहा है आप जग गई हो तो जग ही जाओ, मेरे साथ चाय पियो। अम्मी, आप भी अपनी चाय तो दिखा दो। और चाय मैं आपको पता है कि कभी अकेले पीती नहीं हूँ, तो मैंने अम्मी को भी जगा लिया कि अम्मी आप मेरे साथ चाय पियो। और देखो, अम्मी अपने खजाने से इतना अच्छा दुपट्टा निकाल के ले आई है। फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है ना अम्मी, तो मुझे लगता है हमें ये वाला प्लान कैंसिल कर देखो पहले, है ना। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अम्मी ही काम आती है, तो आज भी अम्मी काम आ गई और इतना अच्छा सा दुपट्टा ला के दे दिया है और मैं उसके साथ ओढ़ूंगी। आप जरूर मेरा इसका जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो जरूर चेक करें। अम्मी को नींद से जगा दिया। अम्मी, आप मेरे लिए उठी हो या आप उठी थी कुछ काम के लिए? उठे थे, नहीं तो मैं देख रहे थे सोने के लिए। अम्मी के कमरे में भी मैंने सब ऐसा फैला के रखा है। और फ्रेंड्स, आपको पता है तो भी आज बाहर ही सो जाओ, ठीक है? और फ्रेंड्स, अम्मी ने इतना अच्छा दुपट्टा ला के दिया है। मैं ये चीज हमेशा कहती हूँ और सब भी कहते हैं कि अम्मी का अगर बुटीक होता या अम्मी का कोई ब्रांड होता कपड़ों का, तो अम्मी ना मतलब ऐसे ऐसे डिजाइन निकालती। मतलब आप सोचिए, 2 पल में उन्होंने सूट देखा और अपने दिमाग में कंप्यूटर में स्कैन कर लिया कि उसका कौन सा दुपट्टा जाएगा और एकदम मैचिंग मिला के ले आए। थैंक यू अम्मी, अब आप सो जाओ, सुबह हमको निकलना भी है, तो हम लोग फिर इंशाल्लाह अभी रात में भी चाय पिला रही हूं। हाँ, तो मैं चाय अकेले नहीं पीती ना, आपको पता है मैं हमेशा आपके साथ पीती हूँ। पहले मैं अपना अलग बैग कर रही थी लेकिन भाई का भी मैसेज आया कि हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो ज्यादा सामान करने की जरूरत नहीं है, तो ये बिग बॉस का सूट केस है जिसमें पूरी दुनिया का सामान आ सकता है, तो इसमें ही हम सारे कपड़े रख रहे हैं। ये नाजा खरा अपना रख चुकी है तो हम उनका ये साइड में कर देंगे। फ्रेंड्स, अभी कपड़े हो गए हैं, इनको अभी हम बंद कर देंगे, तब तक अभी मैं अपना मेकअप के पाउच में अपना मेकअप रख लेती हूँ। और देखिए, मैंने अभी एक लिपस्टिक भी ट्राई करी है, कैसी लग रही है, निकाल रही थी तो मैंने सोचा मैं ट्राई करके देख लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये सारा मेकअप का सामान अभी निकाल के रखा है, आपको ये भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा, इसमें मैं अपनी लिपस्टिक रखूंगी, कुछ कुछ चीजें रखूंगी और बाकी चीजें मैं इस पाउच में रखूंगी। जिनमें फोटो खींची थी वो सारे कपड़े तो रख लिए, लेकिन अपने कपड़े नहीं रखे। इसमें यही होता है फ्रेंड्स की जो खुद के कपड़े होते हैं वो पहनने का मौका नहीं मिलता। अभी जैसे जाना भी है ना, तो जाने में भी मैं सोचूंगी मैं वो वाला कुर्ता पहन लूँ जिसकी मैं फोटो क्लिक कर सकूँ। ऐसे कितने कपड़े जो 1 साल से रखे मैंने नहीं पहने, लेकिन मैंने वो सब तो रख लिए, लेकिन घर पे नहीं मतलब रात में होटल में सोने के लिए या फिर सुबह ब्रेकफास्ट के जाने के लिए मैंने एक स्वेटशर्ट ली है, मुझे स्वेटशर्ट बहुत पसंद है और वहाँ पे थोड़ा ठंडा मौसम भी होगा। और एक ये टी शर्ट फ्रेंड्स, ये मैंने मिंत्रा से ऑर्डर करी थी, ये रोडस्टर ब्रांड की है। आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आप लॉन्ग टी शर्ट कहाँ से लेते हो, तो मैं मिंत्रा से लेती हूँ और आप लॉन्ग लाइन टी शर्ट सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, मैं आपको और भी बता चुकी हूँ। और ये इस तरह की है, पहनूंगी तो आप देखिएगा। और मैंने एक ब्लैक ट्रैक पैंट लिया जो सब पे चल जाता है।
बहुत लेट हो चुके हैं क्या मोबाइल में देख के सो फ्रेंड्स हम सब अभी टाइम पे फाइनली तैयार हो गए, जैसे भी हुए हैं सबने थोड़े थोड़े कपड़े अपने ठीक ठाक पहन लिए हैं, वहाँ जाके आपको और दिखाएंगे। मुझे बिल्कुल भी जो पहनना था उसका टाइम नहीं मिला, और भाई कह रहे हैं जल्दी नीचे आओ तो हम लोग नीचे जा रहे हैं। निकलो फ्रेंड्स, मुझे इतनी जल्दी रेडी करा दिया मैं, मतलब और अब कह रहे हैं कि रुक जाओ तो आप लोग सबके जल्दी जल्दी के चक्कर में मुझे सुबह की चाय भी नहीं पीने को मिली। आप लोग जब पी रहे थे तो मुझे जगाया क्यों नहीं, मुझे ये बता दो, बोलो क्यों नहीं जगाया? अब मेरा मन कर रहा है चाय पीने का, अब क्या करें? नहीं जगाया। चलो हम लोग इतनी जल्दी जल्दी रेडी हुए हैं ना कदम से, और मैंने इतनी जल्दी नहाया कि मुझे सबसे फास्ट नहाने का अवार्ड मिलना चाहिए। तो ये माँ और उनकी तीनों बेटियाँ एकदम डेला जाने के लिए रेडी है। खुशी हो रही है आज अम्मी पहली बार जा रही है अपने इनके साथ, अपनी अम्मी के साथ, साथ। वही तो ये लोग को हम ऐसे पता है फ्रेंड्स वीडियो कॉल पे दिखाते थे कि रूम देखो वॉशरूम देखो, और इनका इतना मन करता था और लगता था कि पता नहीं कब जा पाएंगे, तो आज ये लोग फाइनली जा रहे हैं। वहाँ जाके क्या क्या करना की सोचा है? बहुत कुछ करेंगे जो मर्जी सबसे ज्यादा तो उन्होंने कहा हमारा वीडियो बना लेना, हमारी फोटो खींच लेना। तुमने कुछ बोल दो, तुमने पिछले वीडियो में कितना हंसा बोलो। सब कुछ करेंगे जो भी होगा, हर चीज पूरा सब कुछ खाएंगे भी फ्रेंड्स। आपको पता ही है कि अभी हम लोग होके आए थे और वहाँ पे हमारे लिए इतना न्यू नहीं है, लेकिन हमें वहाँ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस बार स्पेशली भाई भाभी इन लोगों को लेके जाना चाहते हैं। देखो एकदम रेडी हो गई है, खुश खुश खड़ी हुई है, सारा तो पहली बार देखेगी ना। ठीक है इसको कैसा लगता है, वो हम वहाँ जाएंगे। खिला दो लेकिन भूख लग रही है मुझे, लड्डू हाँ भाभी वाले लड्डू दे दो, एक चाय भी मिल जाती है, मजा आ जाता है। थोड़ी बची हुई नहीं बची? नहीं अभी जाने का टाइम का भाई आया, जल्दी चलो सब उठा के फेंक दी। क्या फेंक दी चाय पूरी? अरे भाभी ने होगी ना सर, मसले लेट हो रहे थे भाई, कह रहा जल्दी करो जल्दी करो। फ्रेंड्स खाला ने ये जो भाभी ने लड्डू बना के दिए थे वो दे दिए, क्योंकि मैं सुबह से कुछ नहीं खाया और बहुत ही अजीब सा पेट में लग रहा है, और चाय भी नहीं मिली है तो मैं लड्डू खा लेती हूँ। भाभी की रेसिपी मांगो, भाभी से बोलो उसकी रेसिपी चाहिए, आपको मजा आ जाएगा। फ्रेंड्स इसके नेल पॉलिश का नशा इतना ज्यादा होता जा रहा है, कल मैं रात में रूम में आई, रात में 3 बजे नेल पॉलिश लगाने में लगी थी। फ्रेंड्स अम्मी जाने के लिए तो रेडी हो गई है, लेकिन अम्मी बोल रही है कि कबूतरों को बेचारों को खाना नहीं मिलेगा, तो अम्मी उनके लिए देखिए कुछ डाल के जा रही है। मीठे चावल जर्दा बनाया था वो डाला है, हाँ। और बहुत सारे गेहूँ भी डाल, जोर से बोलो, जर्दा बना के डाला है, हाँ। और बहुत सारे गेहूँ डाला है, हाँ। उनके लिए खाते रहे, लेकिन तभी वो सुबह मुझे ढूंढे है, हाँ, तभी मैं कांच खोलती हूँ सब मेरे पास आ जाते हैं, मुझे बहुत याद आएगी। 2 दिन की बात है इंशाल्लाह। फ्रेंड्स अम्मी का और कबूतरों का ऐसा रिश्ता हो गया ना, अम्मी ऐसे घंटों बैठी रहती है उनको खिलाने के लिए, कुछ भी अच्छा बनता है तो उनके लिए रखती है ब्रेड और क्या क्या अम्मी, ब्रेड और बिरयानी की चावल, मीठे चावल, और उनका हलवा, हाँ, और वो सब खाती है। और क्या नहीं पसंद कबूतरों को? बासी खाना। अच्छा बासी खाना नहीं खाती? ब्रेड बासी हो जाती है, सूंघती तो नहीं खाती। ओहो बाकी जुआर अभी 5 किलो दीपिका ने ला के रखी है, हाँ, तो खिलाने खिलाने के लिए तो अम्मी जा रही है, तो अम्मी को लग रहा है 2 दिन खिड़की बंद रहेगी तो वो बेचारी क्या करेगी। सुबह 6 बजता है वो ढूंढने लगती, कांच खोलो सब मेरे पास आ जाती है, चलो ये लोग घूम ले। टैक्सी वाले ने पूरा मुंह चढ़ा दिया, सट्टी टैक्सी आ गई, जल्दी मास्क लगाओ। मैं और दोनों खाला टैक्सी में बैठ गई, क्योंकि लोग विंडो खोल के जाते हैं, इन्हें वॉमिट जैसे लगता है, तो मैं इनके साथ बैठ गई हूँ। यहाँ पे भाई भी रेडी हो गए निकलने के लिए, वॉमिट करने के लिए गार्बेज बैग एकदम तैयार रखा हुआ है। तो अभी जब तक भैया पेट्रोल भरा रहे हैं तो हम लोग थोड़ा नीचे उतर के खड़े हो गए ताकि इनको थोड़ा ठीक लगे। क्या धूप थी तो अपने अपना कैसा चेहरा छुपा रही थी, तो ऐसे पूरे बाल करके यहाँ पे बहुत जोर से लग रही थी। और फिर मैं क्या कर रही होंगी, सोचो मेरा तो कांच भी खुला था।
बहुत गर्मी है करवा देती। और नींद भी आ रही थी मुझे तो देखो इनको वोमिट हो रही है। हुई हाँ किसको? तुम्हारी मम्मी को पन्नी में कराई। अल्लाह कट रही इधर देखो कौन आया ये लो आले बेबी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से। फ्रेंड्स हम लोग डेला पहुंच गए। यहाँ पे किसी की बारात हो रही है इतना अच्छा लग रहा है। खाला कह रही चलो किसी की शादी देखने चलो। अभी टैक्सी आ गई है हम लोगों को ऊपर लेके जाने के लिए और हम ऊपर जा रहे हैं। फाइनली तुम आ गए। बहुत अच्छा। अभी तुम सबसे पहले क्या देखना है यहाँ पे? सब कुछ। डर तो नहीं लग रहा है? पहाड़ में जा रहे हैं ऊपर। क्या डर है? क्या तो फ्रेंड्स हम लोग फिर से आ गए डेला और सबके साथ। ले जाओ अम्मा ले जाओ। टब में नहाने तुम्हें नहाने गर्मी लगेगा। कैसे लगा रूम? बहुत बहुत अच्छा। वॉशरूम भी अच्छा है ना? देखो देख रही है बढ़िया से डिजाइन देख लो अपने घर में जाके बनवा लूँ आधा में। हाँ सही तरह से कह रही थी इसी से लेने की जरूरत नहीं है ना सब यहीं पे प्रेस भी है सब कुछ। हाँ उल्टी करके आके चेहरा देख रही है। इधर से देखो ये इसको उठाया और जब कर लिया तो ये दबा दिया। हाँ ये ऐसे जोर से ऐसे ठीक है। और बाकी जब यूज करना है तो इसे लिया और इसे दबा दिया ठीक है। बुला लेना चलो रखा। हाँ इधर से इसको खोलना तो आता है कैसे खुलता है पर से लगा खोल लेंगे। हाँ बस और उससे ना ऐसे देखो ये ना इसको ऐसे दबाओगे तो पानी आएगा। हाँ ऊपर से लगा दो ठीक है। इसको ऐसे दबा दिया जोर से सब से बंद हो जाए। हाँ, दबा दो ठीक है। ठीक है चलो चलो अब मिली है सुबह से चाय। अम्मी अम्मी कह ही रही थी कि भाभी ने बनाई होगी तब मिलेगी। 504 में देखिए जहाँ लड़के रुके बोला अगर अचार चाहिए तो बताएं। जब और अभी बनाना ब्रेड भी दे दीजिए। क्या क्या ऊपर दे दो क्योंकि हम जा रहे हैं ना उनका साथ वही रहना पड़ेगा ना। और भाभी बनाना बनाना ब्रेड दे दीजिए बोलो ना अम्मी। हाँ बाहर फ्रेंड्स अम्मी को ये वाली चेयर में ना पकड़ के बैठाना पड़ता है। दो बार अम्मी स्लिप हो चुकी है इससे टुई से। बैठो ना हम पकड़े अच्छे से। दो बार तो गिरी हाँ अम्मी हमेशा गिरती है इसीलिए अब जब भी बैठती है तब चेयर को पकड़ना पड़ता है। चलो खाली बहुत स्लिपरी है ना। नहीं अम्मी अभी हम फोटो खींच ले अब एक दिन के लिए आए दो दिन के लिए टाइम नहीं मिलेगा ठीक है।
ये हाथ में काला काला क्या है? मेहंदी लगाई बालों में। तो ग्लव्स पहन लेती? नहीं थे। फ्रेंड्स देखो बस देला आई नहीं कि इनकी जो अम्मी की आदत है ना वो इनमें भी है, इनका भी शुरू हो गया, ये भी सेम जगह पे आके पूरी अब कहाँ कहाँ खिंचवाओगी यहाँ पे और कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी जहाँ नहीं खिंचवाएगी। देखो अब तुम बेटा तुम लग जाओ काम पे, हमने बहुत किया है, अब तुम करो। अम्मी आज ये लोग आपकी मतलब वो कर रही है, मतलब आज आपने फोटो खिंचानी है, आज ये लोग बताओ अम्मी की तमन्ना मेरे पूरी है। हाँ। ये लोग नए नए आए हैं तुमको खींचने दो अभी। हाँ। हाँ। तो आप खिंचाओगे नहीं इस बार? बहुत खिंचवाएंगे लेकिन इनकी ज्यादा अभी खिंचवाएंगे। चलो अम्मी के साथ खींचो। चलो लेकिन मैं नहीं लूंगी, याद रखना। लगाना अम्मी क्या स्टेटस लगाना? क्या स्टेटस? चलो ठीक है स्टेटस लगाएंगे, चलो खड़ी हो। हाँ सर 1 2 3 अम्मा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। क्या कह रही हो? अम्मी का झूला इंतजार कर रहा है। ये अम्मी का झूला है, इंतजार कर रहा है। तुम लोगों को हर बार ये झूले की फोटो मिलती होगी ना, जब भी अम्मी आ गई थी। चलो बैठ जाओ तीनों बैठ। सारा छोड़ देना, दौड़ से पकड़ दो। क्या दौड़ से कर दो? चुप रहो। हाँ एक बार इसने मुझे ऐसे ही किया। हाँ, था गिरना तो सामने सामने रोड के उस पार चले जाए। लुड़ते, लुड़ते। क्यों नहीं लुढ़कते लुढ़कते उस तरफ चले जाए। क्या को वीडियो कोई और देश में पहुंच जाओगे। लुढ़कना कहाँ होता, फिसलना बोल दो। फिसलना फिसलना दूसरा होता है। फिसल जाओ नीचे, फिसल पट्टी। मजा आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। झूले में नहीं घूमा? नहीं घूमू। क्यों बैठी है जब तक? अल्लाह बेटी के मारे नहीं घूमा पावती हूं। अच्छा तो, चलो तुम उनको उठा दे तो हम बैठेंगे। चलो चलो भैया झूला खाली करो, झूला खाली करो। चलो अब झुलाओ, लाओ झुलाते हैं। तेज तेज झुलाओ। अब ठीक है अम्मा? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। हाँ पैसे लेने पड़ेंगे अम्मा? कितने? 5 रुपए दोगे झूला झुलाने के? चलो उतरो खाली करो। 5 नाई कितने होते हैं? 5 नाई पहले जमाने में चल 70 साल पहले के हैं। 5 नाई 10 नाई। अम्मा थोड़ा ज्यादा बढ़ाओ रेट, नहीं तो उतरो। 1 रुपया दे दो। नहीं तो चलो खाली करो, 10 रुपए एक राउंड के मिलेंगे। 5 नाई ठीक है। चलो चलो झूला। आपको मैंने बताया था ना कि मैंने टॉप सिलवाया है, तो मैं उसके लिए रेडी हो गई हूँ। मैंने सोचा मैं आपको पूरा लुक दिखा देती हूँ कि अगर आप इस तरह का टॉप बना रहे हैं तो आप मतलब ऐसे सिलवा सकते हैं और उसमें कैसा लुक आता है। इसलिए मैं थकी हुई थी लेकिन मैं जल्दी से रेडी हो गई और अब मैं आपको दिखाती हूँ फुल आउटफिट। क्या कह रही है अम्मा? बहुत अच्छा लग रहा है, टॉप अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सिला है, रेडीमेड की जैसा सिला। चलो फ्रेंड्स फाइनली मतलब इतना जो सोचा वो हो गया है ना। अम्मी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा है ना, पूरी ड्रेस भी अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए स्लीव्स का पैटर्न। आप कहेंगे तो मैं इसका एक प्रॉपर वैसे भी आपको एक दिखा दूंगी लेकिन अभी आप देख लीजिए लूज भी है तो अगर आप इसमें ऐसा दुपट्टा नहीं लेंगे तो चल जाएगा। और पीछे से भी इसमें ऐसे यहाँ पे है और अगर आप ऐसा बनाए तो आप थोड़ा सा लटकने वाला कपड़ा लें, मतलब रेयन का कपड़ा लें। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि सबको बहुत ही अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा और अब मैं इस ब्लॉग को सोच रही हूँ यहीं पे एंड कर दूँ। अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो आप भाई के ब्लॉग में ज़रूर देखिएगा कि हम डेला में क्या कर रहे हैं। क्या अम्मा विदा करेगा तू ही? क्यों दुल्हन बने तो मार्शल मंगा ले तो विदा कर दे ना। अम्मी बताओ क्या कह रही है? मैं नहीं सुनती विदाई की। देख सालू आज देखा मैंने, अम्मा को लग रहा है कि मैं दुल्हन बनी हुई। दुल्हन बनी है तो मन कर मार्शल मंगा ले तो विदा कर दे। मदहा में मार्शल कार को मतलब जो मार्शल कार आती है ना मोस्टली वहाँ पे वो बहुत फेमस है, तो जब भी कुछ जाना होता है या शादी होती है तो मार्शल आती है। तो नानी कह रही है कि मार्शल मंगा लो विदाई के वक्त।
अम्मी को शादी के बाद से ब्लड प्रेशर हो जाता है। फ्रेंड्स अब मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। मैंने आज दो कपड़ों में फोटो भी खींच ली और जो मैंने टॉप आपको दिखाया था, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आप भी ऐसा डिजाइन कुछ ट्राई करिएगा और पोस्ट करिएगा। क्या हो गया? तो आप मुझे दिखाइएगा। तो ऐसे करके हम अपने थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हैं, मतलब आप रेडीमेड की तरह कपड़ा लेके बनवा सकते हैं, लेकिन टेलर अच्छा होना चाहिए और टेलर बहुत ही कम अच्छे मिलते हैं। तो आप उन्हें अच्छे से समझाइए और बनाइए। और बस अभी कुछ नहीं बचा, अभी हम लोग सिर्फ डिनर करेंगे। यहाँ पे अंधेरा भी हो गया है, अभी कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी बहुत कम लाइट है। मैं मम्मी के मोबाइल से अपने फेस पे टॉर्च मार रही हूँ जिससे कि आपको दिख सकूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और कल के दिन में मैं जो भी अपने कपड़े लेके आई थी, मैं उसमें फोटोज क्लिक करूँगी, कैसे मेकअप करूँगी, कैसे लुक रहेगा, वो वीडियो भी जरूर चेक कीजिएगा। और हम सबको आज बहुत अच्छा लगा। तुम सबको अच्छा लगा? ठीक है, तो अभी हम सबकी तरफ से अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। क्या करो फिर अम्मी वहाँ के लिए? अम्मी वहाँ के लिए फिर सब लोग सुनो। तुम सारा बीच में लेट जाना, बच्चे बच्चे दोनों छोटी हो जाएगी। हाँ अभी तो मुझे रात में वीडियो एडिट करना है, मत जाओ, मैं यही कर रही हूँ। हाँ फिर अम्मी के लिए आपस से बात करता रहेगा। मेरे बात में खुशी तेरा वालों की तरफ से है ना?